हेलो बच्चों, हम क्लास 12 फिजिक्स की चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से यूनिट का विद्युत क्षेत्र के बारे में बात कर रहे थे और हमने 4 क्लासेस की पढ़ ली थी। तो अगर ये क्लास आपको पढ़नी है तो पिछली 4 क्लासेस जरूर पढ़िए। तो आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली क्लासेस में हमने कूलाम के नियम के बारे में बात की थी। हमने कहा था दो आवेश यदि एक दूसरे के आसपास या कहीं भी स्थित हो, उनके मध्य की दूरी r हो, एक आवेश q1 हो, एक आवेश q2 हो, तो उनके मध्य कूलाम बल कार्य करता है, विद्युत बल कार्य करता है k q1 q2 upon r square। ये बल का मान होता है, k की जगह हम 1/4πε0 लिख सकते हैं। निर्वात के लिए आता है ε0, आप जानते हैं विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। यदि कोई माध्यम हो तो आता है एप्साइलन, किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। और एक और टर्म हमने पढ़ी थी, आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्साइलन आर, जिसे परावैद्युतांक भी कहते हैं। तो ये कुछ बातें थी, हमने कर ली थी पिछली क्लास में। आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं, जो वैसा का वैसा टॉपिक आप कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं, चुंबकीय विद्युत गुरुत्वाकर्षण बलों के बारे में, उनका सदिश निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। हम क्या करने वाले हैं, हम एक निर्देश तंत्र लेने वाले हैं जिसका मूल बिंदु क्या है, ओ। इसके सापेक्ष दो आवेश हैं q1 और q2। अब कुछ सदिशों के बारे में बात करते हैं। देखिए, q1 का स्थिति सदिश है r1 वेक्टर, q2 का स्थिति सदिश है r2 वेक्टर। अब देखिए, ये बल कौन से लग रहे हैं, आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। उदाहरण के तौर पर हम ये मान लेते हैं कि ये दोनों जो आवेश हैं वो समान है, समान प्रकृति के हैं, या तो दोनों धनात्मक हैं या दोनों ऋणात्मक है, परिमाण समान नहीं है, केवल उनकी प्रकृति क्या है, समान। हमने माना दोनों क्या है, धनात्मक। अब धनात्मक है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, यानी एक दूसरे को दूसरी ओर धकेलेंगे, प्रतिकर्षण यानी रिपल्शन इनमें उत्पन्न होगा। अब कुछ सदिश की गहराई के बारे में बात करेंगे, क्या क्या होगा, कौन सा आवेश कैसा बल लगाएगा। हम बात करते हैं q2 पर लगने वाला बल। अब q2 पर कौन बल लगा रहा है, आप जानते हो q1 लगा रहा है। तो सदिश को लिखने का क्या तरीका होता है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, किस पर बल लग रहा है, 2 पर, कौन लगा रहा है, 1, यानी हम क्या लिखेंगे, F21। अब ये सदिश राशि है तो इस पर क्या लगेगा, वेक्टर। ये बात ध्यान दीजिएगा, ये इसे इधर धकेलेगा, ये q1 q2 को इधर प्रतिकर्षित करेगा, तो q2 पर लगने वाला बल भी बल की दिशा किधर होगी, इस साइड, और इसको क्या बोलेंगे, F21 वेक्टर। अब यही अपन किसके बारे में देखते हैं, q1 के बारे में। अब q1 को कौन प्रतिकर्षित कर रहा है, q2। अब q2 ने इसे उधर धकेला और इसको हम क्या बोलेंगे, F किस पर लग रहा है, 1 पर, कौन लगा रहा है, 2, यानी F12 वेक्टर, यानी F21 वेक्टर और F12 वेक्टर एक दूसरे के विपरीत है, ये हम आगे सिद्ध करेंगे। पर वो कैसे देखेंगे, देखिए। अब थोड़ा सा सदिश के बारे में आगे बात करते हैं। तो यदि मैं इस Q2 की इस Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश की बात करें, ध्यान देना बेटा, मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या है, इसका R1 वेक्टर है और इसका R2 वेक्टर है। लेकिन यदि मैं यहां खड़ा होकर इसे देखूं, यानी Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश, तो वो क्या होगा, R21 वेक्टर। उसकी दिशा किधर होगी, 1 से 2 की ओर, किधर होगी, याद रखिएगा जिसका सदिश होता है दिशा उसी की तरफ होती है। यदि मैं इसके बारे में बात करूं आगे, तो किसकी सदिश, Q1 का, किसके सापेक्ष, Q2 के सापेक्ष, तो इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, R12 वेक्टर। लेकिन हम ज्यादा बात अभी फिलहाल किसकी करेंगे, इसकी R21 वेक्टर। अब थोड़ा सा इसके बारे में बात करने से पहले इसकी थोड़ी प्रेजेंटेशन जमा लेते हैं। क्या है, हमने कहा मूल बिंदु के सापेक्ष निर्वात में कोई दो आवेश हैं Q1 और Q2, जिनके स्थिति सदिश क्रमशः कितने हैं बेटा, R1 वेक्टर और R2 वेक्टर। अब हमने कहा कि Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या है, R21 वेक्टर। अब ध्यान देना, हमने 11th क्लास में सदिश जो सदिश वाला चैप्टर है उसमें त्रिभुज नियम पढ़ा था। हमने कहा था दो तीन सदिश हैं,
ये क्या है हमारा आर वन वेक्टर, ये क्या है आर टू वेक्टर, आर वन वेक्टर और आर टू वेक्टर, और आर टू वन वेक्टर कौन सा है ये ध्यान से देखिए, आर टू वन वेक्टर का डायरेक्शन क्या है ये। तो हमने कहा था किन्हीं दो सदिशों का योग, किन्हीं दो सदिशों का योग तीसरे सदिश के योग के बराबर होता है, दो सदिशों का योग तीसरा सदिश ही होता है ये हमने कहा था। इन दो सदिशों की दिशा समान है, क्रम में है, जबकि इस तीसरे सदिश का डायरेक्शन कैसा है विपरीत, यानी हम कहेंगे आर टू वन वेक्टर किसके बराबर होगा आर वन वेक्टर प्लस आर टू वेक्टर, तो समझने के लिए देख लीजिएगा। अब देखिए हमने क्या कहा आर टू वेक्टर किसके बराबर है आर टू वन वेक्टर प्लस आर वन वेक्टर, ध्यान दो आर टू वेक्टर किसके बराबर है आर टू वन वेक्टर प्लस आर वन वेक्टर। अब हमें क्या चाहिए होगा आर टू वन वेक्टर चाहिए होगा, तो हम ध्यान देना इसमें हमें चाहिए आर टू वन वेक्टर, हमने इसको इधर भेज दिया तो क्या बना आर टू वन वेक्टर बराबर होगा आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर, ये वैल्यू हमारे बहुत काम आने वाली है। और यदि इसके परिमाण के बारे में बात करूं तो परिमाण के परिमाण में हम क्या लगा देते हैं ये मापांक वाला चिन्ह, तो ये परिमाण भी एक दूसरे के बराबर होगा समीकरण एक। अब हम लगने वाले बल के बारे में बात करते हैं, देखिए Q1 पर Q2 द्वारा लगने वाला बल, Q1 पर किस पर Q1 पर सॉरी Q2 पर Q1 के द्वारा लगने वाला बल किस पर Q2 पर Q1 के द्वारा लगने वाला बल, हमने क्या कहा F21 वेक्टर, तो F21 वेक्टर हो जाएगा क्योंकि बल एक सदिश राशि है ये आपको याद होना चाहिए। तो देखो 1/4πε0 Q1 Q2 इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, दोनों के बीच की दूरी में जो हम व्यंजन का यूज करेंगे वो व्यंजन कौन सा होगा Q1 के सापेक्ष वाला, तो Q1 के सापेक्ष Q1 का स्थित सदिश Q1 के साथ, Q2 का स्थित सदिश Q1 के सापेक्ष क्या है R21 वेक्टर। तो ध्यान दीजिए यहां क्या आएगा, याद रखिएगा बेटा किसी सदिश का स्क्वायर होने पर वो केवल परिमाण रह जाता है, क्या रह जाता है 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि दो सदिश हैं a वेक्टर इनका जो जब गुणा होगा तो ये अदिश राशि रह जाती है, क्या रह जाती है अदिश राशि, तो r21 वेक्टर का स्क्वायर, लेकिन ये क्या हो जाएगा इसका केवल परिमाण। याद रखना हमने देखा था परिमाण के साथ उसकी दिशा के लिए क्या यूज में आता है एकांक सदिश, तो हमारा एकांक सदिश क्या हो जाएगा आर टू वन कैप। अब आगे बढ़ने के लिए स्टेप आपको याद रखनी पड़ेगी, हमें क्या करना है आर टू वन वेक्टर के परिमाण से गुणा और भाग करना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने इस स्टेप में क्या किया इस वैल्यू का गुणा भी कर दिया भाग भी कर दिया, हमेशा क्यों कर रहे हैं अभी पता चलेगा। तो ध्यान दीजिए आर टू वन वेक्टर का स्क्वायर परिमाण का स्क्वायर और आर टू वन वेक्टर का परिमाण गुणा होकर क्या हो जाएंगे आर टू वन वेक्टर का परिमाण का क्यूब हो जाएगा। अब ध्यान देना आर टू वन वेक्टर का परिमाण और आर टू वन कैप, तो याद रखिएगा हमने पढ़ा था ए वेक्टर का परिमाण डॉट ए कैप ये मिलकर एक पूरे सदिश का निर्माण करता है, तो ये दोनों मिलकर कौन सा सदिश बन जाएंगे आर टू वन वेक्टर। तो ये स्टेप हमारे क्यों आई, हमें ये सदिश का निर्माण करना था कैप से, तो आर टू वन वेक्टर बन गया। याद रखिए अब हमने क्या कहा, हमने कहा आर टू वन वेक्टर किसके बराबर है आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर के, और परिमाण के लिए भी ये बात सत्य है। तो हम क्या करने वाले बेटा, ध्यान दो आर टू वन वेक्टर की जगह हम क्या यूज करेंगे ये वाले टर्म यूज करेंगे जो हमने त्रिभुज नियम लगा के निकाली है। तो याद रखो आर टू वन वेक्टर के परिमाण की जगह क्या लिख सकता हूँ समीकरण एक को देखो आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर का परिमाण, तो हमने लिख दिया आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर का परिमाण का होल क्यूब, और वेक्टर की जगह भी क्या लिख दिया आर टू वन वेक्टर की जगह आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर, इसको हमने दे दी समीकरण नंबर दो, यहाँ इसको रोक देते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा दूसरे वाले बल के बारे में जो किसके ऊपर है क्यू वन के ऊपर, तो याद रखो बेटा क्यू वन पर क्यू टू के द्वारा लगने वाला बल, Q1 पर Q2 के द्वारा लगने वाला बल क्या है F F12 वेक्टर। तो हमने लिखा
q1 पर q2 के द्वारा लगने वाला बल क्या है बेटा, हाइफन टू वेक्टर 1 / 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 / अब इसमें सदिश कौन से आएंगे, इसी के आएंगे, तो r12 वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर k आ जाएगा r12 कैप। लेकिन हमें याद रखना बेटा इसकी तुलना इस बल से करनी है तो इसके व्यंजनों को समान करना पड़ेगा, हम सदिश में दिशाओं का उपयोग करेंगे। तो हमने वही स्टेप फॉलो की, हमने इस परिमाण का गुणा और भाग यहाँ भी कर दिया, यहाँ डायरेक्ट हमने लिख दिया, तो r के को r वेक्टर बना दिया इसके परिमाण से गुणा और भाग करके और यहाँ स्क्वायर का क्या हो गया q। ये ध्यान रखिएगा बेटा स्टेप, ये क्यूब कैसे हुआ, यहाँ भी क्या किया हमने r1 के r1 वेक्टर का परिमाण r12 वेक्टर का परिमाण / r12 वेक्टर का परिमाण। अब यही त्रिभुज नियम जब इस स्थिति में लगाएंगे तो अब सदिश कौन सा है बेटा, ये वाला, ये और ये, इन दोनों का योग किसके बराबर है, तीसरे के बराबर। जब हम इसको इसकी दिशा चीज का जब पक्षांतरण करेंगे तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी, r12 वेक्टर किसके बराबर है, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, और परिमाण भी समान होगा। अब ध्यान देना बेटा सदिश का जब परिमाण निकाला तो उसका दिशा पे दिशा का उसका फर्क नहीं पड़ता है, तो r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का परिमाण बराबर होगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर के। यानी जब ये दिया होगा बेटा तो उसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, जबकि यदि हमें इसका डायरेक्शन बदलना है, इसका इसको r2 को आगे लेना है तो आगे माइनस आ जाएगा और r1 कहाँ चला जाएगा, पीछे। अब हम आगे बढ़ते हैं, देन क्या होता है, जब हमने r12 वेक्टर का होल क्यूब की जगह ये वाली वैल्यू रखी तो क्या आ गया, इसकी जगह हमने डायरेक्ट क्या वैल्यू रख दी, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का परिमाण। तो हमने लिख दिया, पहले हमने लिखा ये वाली वैल्यू r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का परिमाण, और इस सदिश की जगह क्या लिख दिया, ये वाली वैल्यू r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। लेकिन इसको गौर से देखो, इसमें क्या है r2 माइनस r1 है, यहाँ भी क्या है r2 माइनस r1 है, न कि वहां पर क्या है r1 माइनस r2। अब हम इसकी जगह डायरेक्ट r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर के परिमाण की जगह बेटा हम सीधी क्या लिख सकते हैं, r1 r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, इसमें माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, r2 माइनस r1 वेक्टर का परिमाण का होल क्यूब। अब इसको भी बदल दिया हमने, r1 पीछे ले रहे r2 आगे आ रहे, लेकिन ये आगे आने पर ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, इसका मतलब हमने इसमें से माइनस बाहर निकाला, अब इसमें से माइनस बाहर निकल के वो माइनस कहां गया, यहां आगे, तो ये वैल्यू क्या हो गई r2 माइनस r1 वेक्टर के बराबर। अब और से देखिए ये दोनों वैल्यू एकदम बराबर है, समान है, केवल फर्क किसका है, माइनस का। इसको हमने समीकरण दो बोला था, इसको बोल दिया समीकरण तीन। दोनों की जब हम तुलना करेंगे तो हम पाएंगे कि f21 वेक्टर का परिमाण बराबर होगा माइनस ऑफ f12 वेक्टर के, यानी ये दोनों बल परिमाण में समान। याद रखना दो आवेश एक दूसरे पर बल दोनों लगा रहे हैं और दोनों परिमाण क्या होंगे, समान। और इस स्थिति में दिशा कैसी होगी, विपरीत, तभी तो ऋणात्मक आया, ऋणात्मक का मतलब क्या है, विपरीत दिशा। लेकिन ये केस है जब हमने दोनों के आवेशों का जो प्रकृति है वो समान ली, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों केस कैसे होंगे बेटा, नेगेटिव। तो बेटा ध्यान देना दोबारा इसको एक बार और समझेंगे, हमने दो एक निर्देश तंत्र के सापेक्ष लिया q1 और q2, इसका इसी सदिश है r1 वेक्टर, इसका इसी सदिश है बेटा r2 वेक्टर, और इस पर लगने वाला बल क्या f21 वेक्टर का परिमाण f21 वेक्टर, और इस पर लगने वाला बल क्या f12 वेक्टर, इसकी दिशा इधर है इसकी दिशा उधर है। अब q2 का q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या होगा बेटे, r21 वेक्टर, और q1 का क्या होगा q2 के सापेक्ष r12। अब हमने यहाँ कौन सा नियम लगा दिया, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, सदिशों का त्रिभुज नियम। हमने हमने क्या, हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, r21 वेक्टर को हम क्या चेंज कर सकते हैं, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, और यही चीज किसके लिए सिद्ध हो जाएगी, इसके परिमाण के लिए। अब हमने पहले कौन से बल के बारे में बात की, f21 वेक्टर के बारे में, f21 वेक्टर बराबर ये वैल्यू आ गई हमने देख लिया, यहाँ भी r21 आ गया और यहाँ भी क्या आ गया r21 वेक्टर। हमने इसको सदिश बनाने के लिए इसी इसके परिमाण से गुणा और भाग किया, और जब ये वैल्यूज रखी तो हमारे पास आ गई है f21 वेक्टर का मान आ गया, इसको समीकरण दो। इसी प्रकार हमने f12 निकाला
और हमारे पास सेम वैल्यू आई और आगे क्या गया माइनस, और इस समय पता चला दोनों का परिमाण क्या है समान, दिशा कैसी है विपरीत। ये बहुत आवश्यक है पढ़ा। आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, अगले जो क्लास होगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी, क्योंकि हम उसमें विद्युत क्षेत्र के बारे में जो आने वाले न्यूमेरिकल से क्वेश्चन से और उसकी मूल जो थ्योरी है अभी स्टार्ट हुई नहीं है, तो विद्युत क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे फोकस अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।